घोटालेबाज चोकसी को भारत वापस लाने पर डोमिनिका कोर्ट में टल गई सुनवाई, अब 1 जुलाई के आसपास रखी जा सकती है दलीलें। चोकसी पर सुनवाई के दौरान डोमिनिका कोर्ट के बाहर प्रदर्शन जमा हुए कुछ लोग। मेहुल चोकसी को लेकर विदेश मंत्रालय ने देश को दिलाया भरोसा, कहा भगोड़ों को भारत लाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। चोकसी को भारतीय नागरिक साबित करने की कोशिश कर रही है हिंदुस्तानी एजेंसियां, परिवार की दलील एंटीगा का है सिटीजन। 23 मई को डोमिनिका में गिरफ्तार हुआ था मेहुल चोकसी, अवैध तरीके से घुसपैठ करने का आरोप है। जम्मू में हुआ त्राल के काउंसिल चेयरमैन राकेश पंडिता का अंतिम संस्कार, कल रात आतंकियों ने हत्या की थी। राकेश पंडिता के परिवार वालों ने की एनआईए जांच की मांग, बेटे ने पिता की हत्या को साजिश बताया। यह धोखा दिया है, जब उनकी डेथ हुई थी उससे पहले उन्होंने फोन किया था, तो अब मैं जब सोच रहा हूँ कि लग रहा है कि उनको पता था कि ऐसा होने वाला है कुछ। राकेश पंडिता की हत्या से बीजेपी आग बबूला, कहा घाटी में हो रही है कश्मीरी पंडितों के मन में खौफ बिठाने की कोशिश। चुन चुन कर इनका कश्मीर घाटी से इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे, जो जो इस साजिश में शामिल है किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बंगाल में 2 आतंकी हमले के बीच कश्मीर दौरे पर आर्मी चीफ, एलओसी पर सुरक्षा का जायजा लिया। 5 फेज में अनलॉक होगा महाराष्ट्र, पहले चरण में ठाणे नासिक समेत 18 जिलों में हटेगा लॉकडाउन। पॉजिटिविटी रेट के आधार पर 5 हिस्सों में बंटा महाराष्ट्र, 5% पॉजिटिविटी रेट वाली जगहों पर खोले जाएंगे सिनेमा हॉल। मुंबई में 5% से नीचे है पॉजिटिविटी रेट, लेकिन माया नगरी को अनलॉक करने को लेकर 15 जून के बाद होगा फैसला। कोरोना को देखते हुए महाराष्ट्र ने भी रद्द की 12वीं की परीक्षाएं, अब तक 7 राज्य कैंसिल कर चुके हैं एग्जाम। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से की बात, सीबीएसई एग्जाम रद्द होने के बाद चर्चा। छात्रों और अभिभावकों के साथ शिक्षा मंत्रालय की चल रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अचानक पीएम मोदी की एंट्री हुई। प्रधानमंत्री ने हल्के फुल्के अंदाज में छात्रों से बात की, पूछा आईपीएल देखेंगे या ओलंपिक। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,34,000 मरीज, एक दिन में 2,887 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 487 नए मरीज, एक दिन में 45 की मौत। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को लेकर बीजेपी का वार, पूछा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को क्यों नहीं घर घर पहुंचाया। वो केवल प्रोपेगेंडा ना करे, व्हाइट पेपर भी जारी करे और जो हकीकत है उसको बयां भी करे। बीजेपी के हमले पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, मनीष सिसोदिया बोले वैक्सीन पर क्यों नहीं करते बात। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके केजरीवाल को गाली देके फिर बैठ जाते हैं, देश पूछ रहा है वैक्सीन कहां है, ये कह रहे हैं केजरीवाल के लिए गाली और सुन लो। स्वदेशी कंपनी बायोलॉजिकली से कोरोना वैक्सीन के 30 करोड़ डोज खरीदेगी सरकार, 1500 करोड़ का किया जाएगा एडवांस पेमेंट। दिल्ली पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पार्टी हाई कमान की ओर से गठित 3 सदस्यीय समिति के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में आम आदमी पार्टी को दिया झटका, 3 विधायकों को कांग्रेस में कराया शामिल। आप विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अकाली दल का हमला काम, मिलकर खेल रही हैं दोनों पार्टियां। बिहार में बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे का संगीन आरोप, कहा नीतीश ने कराया शराब घोटाला, जाएंगे जेल। हम पूरा तथ्य के साथ सामने लाएंगे ना कि नीतीश कुमार ने कैसे घोटाला करवाया अपने लोगों से, शराब में कैसे घोटाला कराया, इसीलिए उन्होंने दारू बंद करवाया। टुन्ना पांडे के बयान पर जेडीयू आग बबूला, धमकी वाले अंदाज में पलटवार किया। उंगली जो उठाएगा उसको उंगली भी काट लिया जाएगा, बर्दाश्त का एक सीमा होता है, सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है, अगर तुम इस तरह का भाषा का प्रयोग करोगे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नीतीश कुमार पर हमले के बाद शहाबुद्दीन के बेटे से मिला टुन्ना पांडे, आरजेडी में शामिल होने के कयास। दिल्ली में आज से शुरू हुई आरएसएस की अहम बैठक, मोहन भागवत की अगुवाई में यूपी को लेकर चर्चा होगी।
पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव ने केंद्र की नोटिस का दिया जवाब, कहा जो भी किया ममता के कहने पर किया। अमृतसर में सुरक्षा एजेंसियों का फ्लैग मार्च, 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ को लेकर अलर्ट है पुलिस। बिहार की साइकिल गर्ल ज्योति ने फोन पर प्रियंका वाड्रा से बात की, कांग्रेस महासचिव ने पिता की मौत पर जताई संवेदना। जयपुर से आई दर्द भरी तस्वीरें, रोते दिखे ब्लैक फंगस के मरीज, इंजेक्शन के लिए लगा रहे हैं गुहार। कोलकाता में शुरू हुई वैक्सीनेशन गाड़ी, शहर के अलग अलग इलाकों में जाएगी टीका एक्सप्रेस। स्वामी रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया समन, कोरोनिल मामले में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अर्जी लगाई थी। स्वामी रामदेव के खिलाफ सोनीपत में आईएमए की हड़ताल, योग गुरु के खिलाफ एफआईआर करवाने की मांग पर अड़े हैं डॉक्टर। बिहार में तेज हुई वैक्सीनेशन की कोशिश, नीतीश कुमार ने 121 टीकाकरण वैन को दिखाई हरी झंडी। कन्नौज में वैक्सीनेशन टीम को बेरंग लौटाने पर गांव वालों को मिली सजा, प्रशासन ने काट दी बिजली की सप्लाई। इटावा में कोरोना के टीके को लेकर दहशत, वैक्सीन टीम को देखकर छुप गई बुजुर्ग महिला। चेन्नई में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक एनजीओ का बड़ा ऐलान, टीका लगवाया तो मिलेंगे सोने के सिक्के, बाइक और दूसरे तोहफे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक की अनूठी मुहिम, वैक्सीन लगवाने के लिए गिटार बजाकर किया जागरूक। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, सब्जी मंडी में भारी भीड़ दिखी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का हंगामा, आरक्षण को लेकर नाराजगी। केरल के कोच्चि में लेफ्ट दलों का विरोध प्रदर्शन, लक्षद्वीप के मुद्दे को लेकर केंद्र के खिलाफ हंगामा। जारी है किसानों का विरोध प्रदर्शन, हरिद्वार में टोल प्लाजा पर धरना, केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल। राम रहीम को फिर भेजा गया सुनरिया जेल, तबीयत खराब होने पर लाया गया था पीजीआई रोहतक। पानीपत में सामने आया एक युवक की आत्महत्या करने का वीडियो, एकतरफा प्यार में जान दी। बिहार के कटिहार में गैर सरकारी बैंक में बवाल, एक दंपत्ति को अपने ही पैसे निकालने के लिए काटने पड़ रहे हैं चक्कर। ग्रेटर नोएडा में छापा मारने गए दरोगा को बनाया बंधक, गांजा बेचने के आरोप में दबिश देने गई थी पुलिस। मुंबई में ड्रग पेडलर सोहेल शेख को एनसीबी ने गिरफ्तार किया, नशे की करीब 150 ग्राम खेप के साथ गिरफ्तारी। मुरादाबाद के थाने में बीजेपी के दो नेताओं के समर्थकों के बीच भिड़ंत, पुलिसकर्मियों ने किया बीच बचाव। अमृतसर के पेट्रोल पंप पर तैनात सुरक्षाकर्मी पर फायरिंग, 3 अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई। राजस्थान के बाड़मेर में मौज मस्ती करने के लिए 2 नाबालिगों ने चुराई 30 बाइक, दोनों आरोपी समेत 4 दलाल गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में अधेड़ शख्स की बेरहमी से हत्या, जमीन विवाद में जान गई। गोरखपुर में लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह में बार बालाओं का डांस, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस। सहारनपुर में छेड़छाड़ को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, जमकर चले धारदार हथियार। जालौन में सरेआम एक युवक की लाठियों से पिटाई, पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम, सोशल मीडिया पर वीडियो। फतेहपुर में 2 गुटों में लाठी डंडों से मारपीट, चुनावी रंजिश में प्रधान के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प हुई। राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तानी सीमा पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, 300 करोड़ मूल्य की 56 किलो हेरोइन बरामद। गोरखपुर के एक गांव में पानी भरे गड्ढे में मिला 3 बच्चियों का शव, 1 दिन पहले हुई थी लापता। पंजाब के अमृतसर में एक विवाहिता ने फंदा लगाकर जान दी, पति की मारपीट से परेशान थी। गोंडा में तालाब में डूबकर 5 बच्चों की मौत, 1 को गांव वालों ने बचाया, मिट्टी निकालने गए थे बच्चे। राजस्थान के धौलपुर में 2 गुटों में मारपीट, बच्चों के झगड़े में बढ़ा विवाद, सीसीटीवी में तस्वीर। वाराणसी में हिस्ट्री शीटर ने गोली मारकर दी जान, लंबे समय से बीमारी से परेशान थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 51 एमएम के रॉकेट का गोला बरामद, सुरक्षा एजेंसियों ने किया डिफ्यूज। केरल पहुंचा दक्षिण पश्चिमी मॉनसून, मौसम विभाग ने जारी की अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। 2 दिनों की देरी से मॉनसून ने दी है दस्तक, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से 101% बेहतर होगी बारिश। तेलंगाना के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान की शेखावटी में वक्त से पहले चले फल,
बारिश के बाद फसलों की बुआई में जुटे किसान। राजस्थान के जैसलमेर में जबरदस्त तूफान और भारी बरसात, 200 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल। लंदन पहुंची भारत की महिला और पुरुष क्रिकेट टीम, टूर्नामेंट से पहले साउथहैम्पटन में पूरा करना होगा क्वारंटीन। टोक्यो ओलंपिक के लिए जारी हुआ हिंदुस्तान का किट, पीएम ने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। कोरोना के संकट काल में जेके सीमेंट की शानदार पहल, गायक शान से मिलकर दी संगीतमय श्रद्धांजलि। सिंगर शान ने उम्मीद नाम से गाया गाना, समाज में पॉजिटिव संदेश फैलाने के उद्देश्य से अनोखी कोशिश। नई ऊंचाई पर पहुंचा शेयर बाजार, 52,232 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 15,700 अंकों के पास रहा निफ्टी। जनवरी मार्च के महीने में मल्टीप्लेक्स कंपनियों को हुआ भारी घाटा, पीवीआर को 289 करोड़ रुपए का नुकसान। शुक्रवार को आरबीआई करेगा ब्याज दरों का ऐलान, लगातार छठी बार रेपो रेट में बदलाव न होने का अनुमान। कोविड 19 वैक्सीन बनाने वाले 9 कारोबारी बने अरबपति, कुल 1.41 लाख करोड़ बढ़ी संपत्ति। जनवरी से मार्च के बीच बढ़े मकानों की बिक्री, प्रॉपर इक्विटी का दावा, वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने बढ़ाई ज्यादा स्पेस की मांग। सितंबर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मचारियों को वापस बुलाएगी आईफोन निर्माता एप्पल, कंपनी के सीईओ ने जारी किए निर्देश। महामारी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद, मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले वैक्सीनेशन बढ़ने से जुलाई से सुधरेंगे हालात। रोहतक में गोबर की मदद से इको फ्रेंडली घर बना रहा एक शख्स, बाहर की तुलना में 10 डिग्री कम होता है अंदर का तापमान। कश्मीर के केगाम में वर्ल्ड साइकिल डे पर सेना ने किया साइकिल रैली का आयोजन, सेहत को लेकर लोगों को जागरूक किया। 12 साल बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की विदाई तय, विपक्षी दलों में सरकार बनाने पर बनी सहमति। दो दलों के नेता बारी बारी से बनेंगे इजरायल के प्रधानमंत्री, पहले दक्षिण पंथी यामिना पार्टी के नेता नेफ्ताली बेनेट को मिलेगी कमान। 2023 तक पीएम पद पर काबिज रहेंगे बेनेट, 2024 में यशेडिट पार्टी के येर लेपिड बनेंगे प्रधानमंत्री। मार्च में हुए थे इजरायल में चुनाव, सबसे बड़ी पार्टी के नेता नेतन्याहू को दिलाई गई थी पीएम पद की शपथ, 2 जून तक साबित करना था बहुमत। इजरायल में नई गठबंधन सरकार का रास्ता साफ होने के बाद प्रदर्शनों का दौर, नेतन्याहू के समर्थकों और विरोधियों ने मोर्चा खोला। अमेरिका में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा ऐलान, बोले टीका लगवाओ मुफ्त में बियर पाओ। कोरोना की रोकथाम में नाकाम रहने पर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का विरोध, कई शहरों में लोगों ने बर्तन बजाकर प्रदर्शन किया।